जिस जमीन का जमाबंदी नंबर नहीं है तो क्या वो जमीन सरकारी हो जाएगा? बहुत सारे व्यक्ति का प्रश्न है, अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं सो इस चीज को लेके डिपार्टमेंट में घूम रहे हैं और बोल भी रहे हैं और डिपार्टमेंट को ही समझिए जाके ऑफिस में गाली गलौज कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका सच्चाई क्या है, इसका रियलिटी क्या है, हम इस पे बात करेंगे। तो देखिए, जिस जमीन का जमाबंदी नंबर नहीं है तो वो जमीन सरकारी हो जाएगा, बहुत सारे व्यक्ति के मन में प्रश्न होगा। अब बहुत सारे व्यक्ति सोचते होंगे कि क्या जिस व्यक्ति के पास जमाबंदी नंबर जमीन का अगर नहीं है तो क्या सर्वे में उसका जमीन को गवर्नमेंट की लिस्ट में डाल देगा, यानी गवर्नमेंट के नाम से खाता खुल जाएगा, या वो जमीन गवर्नमेंट जमीन हो जाएगा यानी सरकारी जमीन हो जाएगा? तो पहले आपको ये समझना होगा कि सरकारी जमीन होता है कौन। देखिए आपको हम स्पेशली बताते हैं, सरकारी जमीन अगर कैटेगरी में देखें तो गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, केसर हिंद, जिला बोर्ड, ये सब जितने भी जमीन है गवर्नमेंट अपना मानती है और उस जमीन का जो खाता है गवर्नमेंट अपने नाम से खोलेगी। और इसी से जुड़ा हुआ कुछ इस प्रकार की जमीन होती है, जिस जमीन का कोई जमीन का पेपर नहीं होता है और उस जमीन का था पता नहीं चलता ये जमीन है किसका, और वो जमीन बहुत वर्षों से कोई व्यक्ति हैं सो अगर जोत रहे थे और फिर बाद में उसको छोड़ देते हैं। ये केस मेरे पास आया है इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए कि बहुत सारे व्यक्ति बोले कि ये जमीन का पेपर तुम्हारे पास नहीं है, ये सरकारी जमीन है, तुम इस जमीन को क्यों जोत रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट केस हो जाएगा सरकार को, जमीन इस प्रकार से उसको भरविंद करके उस व्यक्ति को जमीन छोड़ा दिया, उसको लगा ये गवर्नमेंट की जमीन है, तो क्या उस प्रकार की जमीन को भी गवर्नमेंट की हो जाएगा? पहला बात ये समझिए कि आप लंबा समय से कोई जमीन पे रह रहे हैं, ठीक है, और वो जमीन मतलब सरकारी के मतलब गवर्नमेंट की खाता की जमीन नहीं है, यानी गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, केसर हिंद, जिला बोर्ड वगैरह जमीन, या केंद्र सरकार की भी बहुत जमीन होती है, आप लोगों का डिपार्टमेंट वाला जो बहुत सारे डिपार्टमेंट इससे बनता है वो गवर्नमेंट वाली जमीन पे ही बनती है। इसका बहुत सारे कैटेगरी है, करीब 16 से 17 कैटेगरी हम आप लोगों को बताए थे कि कोई कौन कौन जमीन है जिस पे गवर्नमेंट जो है जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है, वो जमीन आपको खरीदना नहीं चाहिए, उसका हम बनाए हैं, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे किशोर अमीन ट्रेनिंग सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल मिलेगा, उस चैनल पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, 1000+ वीडियो वहाँ पे है स्पेशल जमीन से जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे अमीन का स्पेशल ट्रेनिंग होती है। चलिए ये सब बात छोड़िए अभी, तो देखिए पहला बात यह स्पष्ट हम आप लोगों को कर देते हैं, जिस व्यक्ति के पास जमाबंदी नंबर है उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस व्यक्ति का जमीन गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं जाएगी, जमीन का जमाबंदी नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो जमीन रैयती है या यानी गवर्नमेंट के लिस्ट की जमीन नहीं है, जितने भी हम बता रहे हैं गवर्नमेंट को उससे कोई आपत्ति नहीं है अगर उस जमीन पे आप रह रहे हैं। ठीक है, उस जमीन पे रह रहे हैं तो कब्जात व्यक्ति उस जमीन का आप हैं, कब्जात व्यक्ति, और आपको घर से बेघर नहीं करेगा। बहुत सारे व्यक्ति को डर रहता है कि हम जो इस प्रकार के जमीन पे रहते हैं जिसका जमाबंदी नहीं होता क्या मेरा घर गवर्नमेंट हटा देगी तोड़ देगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई जमीन गवर्नमेंट अपने लिस्ट में लेती है इस प्रकार की जमीन, तो पहला बात ये समझिए इसमें जिस जमीन पे आप रह रहे हैं आप उसी रहेंगे, कब्जात व्यक्ति आप रहेंगे, व्यवहारिक रूप से उस जमीन का यूज आप करेंगे, लेकिन उस जमीन का खाता गवर्नमेंट के नाम से खुलेंगे, चाहे गैर मजरूआ खास का ही ना हो, तो डरना नहीं है। ठीक है, और भविष्य में अब गवर्नमेंट का जो रूल आए वो रूल जो भी बोले वो अलग सी बात है, लेकिन अभी ये आप मतलब कोई ऐसा अप टू डेट गवर्नमेंट की नहीं है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए उस जमीन को चेक किया जाएगा अलग अलग तरीका से, जैसे आपके जमीन का चौहद्दी से, आपके जमीन के चौहद्दी में जो भी व्यक्ति हैं उनकी जमीन से पेपर से लिंक करके, अगर कहीं भी लिंक आपके किसी भी पुस्त का अगर आ जाता है वो जमीन उत्तराधिकारी के रूप में आपका होगा और आपके नाम से सर्वे होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, वीडियो में थोड़ा वीडियो वगैरह जो है नहीं आ रहा था तो कोई काम वगैरह में हम थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त होंगे, सर्वे वगैरह चल रहा है तो बहुत यहाँ पे काम बढ़ गया है, समझ गए, क्योंकि बहुत ऐसे काम है
फिर हम बात करेंगे इसे। ऐसे यहाँ अमीन की ट्रेनिंग भी होती है, तो अमीन का ट्रेनिंग भी देना, ठीक है, और ट्रेनिंग करवाना, बहुत ऐसे ऐसे काम होता है ज़मीन से जुड़ा ही, ठीक है ना। जो क्योंकि आप लोगों को पता ही, यहाँ स्पेशल अमीन की ट्रेनिंग होती है, पूरे बिहार और पूरे झारखंड में एकलौता ट्रेनिंग सेंटर है जिसको गवर्नमेंट अपनी पोर्टल पे दिखलाती है। इस कारण से यहाँ स्टूडेंट बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो अदर स्टेट से आते हैं, अदर स्टेट जैसे झारखंड तो नॉर्मल बात है, झारखंड से भरे पड़े हैं, अब झारखंड बिहार से बाहर से भी आते हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो ये जो स्क्रीन पर नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और जो मैसेज आएगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, तो आपको सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।